के पूंछ की कई की मिसाल का की इंट्रोडक्शन मुझे दी गई, जो कि मैं ऐसा भी जानता था और जो कि मैंने उस 3 महीने के छोटे से में खुद भी महसूस किया। क्या क्या आप सब ने और आप सब को जिसको कोई चूके कुछ मैं उस पर बहुत यकीन करता हूँ। अभी भी दाना साहब ने कहा कि डोंट दी हाउस, ये जाति है इसका कोई डाउट नहीं, एकता है इसका कोई डाउट नहीं, हम सब में यूनिटी है, आप सब में प्यार है, इसका कोई डाउट नहीं, पर वो एक चिंगारी जो पूरे घर को जला सकती है उसको कतई निग्लेक्ट नहीं किया। और उसी के मद्देनजर मुझे लगा कि वो 20 कमेटी जिसका जिक्र मुझे बताया गया था, और ये भी कहा गया था कि इधर शायद कोई जरूरत नहीं पड़े, बट मेरे ख्याल से ये आज मीटिंग सारी इसी बिल का क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई सेलिब्रेट करेगा कोई प्रोटेस्ट करेगा, इस बिल के चलते क्या हालात बन रहे हैं और आगे क्या बनेंगे, उन्हें कैसे देखते हैं और उसके बारे में क्या करना चाहिए। पहले मैं ये बता दूँ कि हमने सिर्फ जो शहर के आपका मोजिस शख्सियात थे सिविल सोसाइटी ने शुरू कराया, ऐसे तो ज़िला बहुत बड़ा है, कोट मेंढर मंडी सब इलाकों में और भी बड़े तजीम शख्स मौजूद हैं। के ऊपर मैं कुछ अपॉर्चुनिज्म प्ले करूँगा, जैसे कहते हैं ना कि कैसे मेंटेन करें उस पर हम, और ये भी मैं बताऊँ कि हम सब यहाँ बैठे मुझे जो कहीं जानता हूँ कि हमारे रियाज डी सी जिसके साथ रियाज पुलिस है सब अफसरान की कैपेसिटी लिमिटेड, आप सब की कैपेसिटी हम सबसे काफ़ी ज़्यादा है किसी भी चीज़ को अचीव करने में, किसी भी तरह के हालात को कंट्रोल करने, हम आप सबके बगैर हालात कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मैं जानता हूँ। दूसरे को नहीं अपने बच्चों का सोचें, ये सोचें कि आप सब अपनी पूरी ज़िंदगी बिता के अपने बच्चों के लिए अपने पोते पोतियों के लिए किस तरह का पूछ छोड़ना चाहते हैं, क्या उस तरीके का पूछ छोड़ना चाहते हैं जहाँ पे किसी भी कोई ना कोई तनाजा चलता रहे, पीठ पीछे उगलता रहे और हर गली कोने में हम साए में दो नेबर्स के बीच दो गुआंडियों के बीच कोई ना कोई तनाजा रहे, क्या हम वो पूछ छोड़ना चाहते हैं या हम वो मिसाल बरकरार रखना चाहते हैं कि कोई भी हिंदू मुस्लिम उधर पहाड़ी चांद से बिना किसी परेशानी के बिना किसी फिक्र के सर उठा के चले बेफिक्री से अपने बच्चों को बाहर गली में खेलने छोड़ दें और उसे कोई ऐसी इस तरह की फिक्र नहीं होती कि मेरे बच्चों को क्या हो गया, हम अपने बच्चों के लिए क्या सुनना चाहते हैं उस चीज़। मैं एक कोई बेनती करता हूँ कि असी हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं और हिंदुस्तान ने सानू बहुत बड़ी आजादी दे के रखी है कि तुसी अपने ग्रीवेंसिस जेड़े ने वो खुल के सारे दे सामने रख सकते, प्लेटफॉर्म है साडे पास, प्रोटेस्ट करता हक है साडे पास, पर ये हक जेड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति भी एंटी नेशनल अगर स्लोगन वो रेज करता है या कोई भी व्यक्ति जो किसी भी धर्म का क्यों ना हो वो इस किस्म की स्टेटमेंट देता है, इस किस्म की सोशल मीडिया के उत्ते कोई स्टेटमेंट चलाता है जिसके नाल दूजे धर्म के लोगों के सेंटीमेंट साट हो रहे, मैं कहता कि वह व्यक्ति जो है वह एंटी सोशल एलीमेंट हो सकता है, वह एंटी नेशनल एलीमेंट हो सकता है। उस पर उंगली नहीं उठाए, उनको किसी भी तरह से एंटी नेशनल डिक्लेयर नहीं करते, वो सबसे बड़ा गुनाह कर सकते। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने के लिए आप सबने कुर्बानियाँ दी हैं, पहले भी आगे भी देते रहेंगे, और देश के नाम देश का नाम सबसे पहले हिंदू मुस्लिम आबाद। किसी तरह की बदनामी नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले अमन है उसके बाद सारी तामीर और तरक्की है, अमन अमान गारत हो जाए तो कोई भी मुल्क कोई भी इलाका कोई भी समाज हरगिज तरक्की नहीं कर सकता। अब उसके लिए हम सब लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं जुमे और ईदैन के इज्तम से लेकर के हर महफिल और हर मजलिस के अंदर मैं समझता हूँ कि ये हमारी तो जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को अल्लाह के फजल करम से हम निभाने की मकदूर बार कोशिश करते हैं। हो सकता है
टोकन यहाँ पे हुए हैं, अपनी बात हमने रखी है। और ये तकरीबन जो भी है हम सब के लिए एक बड़ी वो दुख का विषय है, क्योंकि पुंछ की ये बहुत पुरानी परंपरा है। यहाँ जब बड़े अमरनाथ की यात्रा पूरे देश भर से आती है तो पुंछ का एक स्वागत का आदर और सत्कार का जो यहाँ से विश्वास और यहाँ से जो परिचय लेकर जाती है वो पूरे देश भर में उसका जो है वो प्रचार करती है। और पुंछ का जैसा प्रधान जी ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा भाईचारा रहा है, जहाँ हम सभी मिलकर बिना मतलब मिलकर, चाहे वो जन्माष्टमी हो, ईद का त्यौहार हो, चाहे गुरुपर्व हो, हम मिलकर मनाते हैं। और कहीं अगर किसी प्रकार से भी वो छोटी मोटी घटना होती है तो वो पूरे समाज के ऊपर एक दाग जो है वो छोड़ के चला जाती है। हमें जैसे मोदी साहब ने कहा कि एक बार एसएसपी साहब से गुजारिश करूंगा, पहुंच के शहरी ने आज नहीं हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के तिरंगा को ऊंचा रखने के लिए बगैर मजबूत मिलत रंग और नसल यहाँ कुर्बानियां दी हैं। और आज भी तमाम मजाहब के अंदर ऐसे लोग हैं जो वो उन लोगों की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेंगे। और आज भी आपने उस भाईचारा को, उस विरसा को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, इसके लिए हमेशा तमाम बरादरी के लोग पेश पेश है। मैं एसपी साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि डोंट स्पेयर एनीबॉडी। जो आदमी आप जस्टिफाइड बात करो, ठीक बात करो, ये बात हो सकती है, मैं काम कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकती है, नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर नारा या एक स्लोगन की वजह से चर्चे कुछ चीज का दुख था, इसीलिए हमने ये मीटिंग बुलाई कि कम से कम दुख साझा करके सबका भी। हमारा पुंछ उससे बहुत बड़ा है। मैं पहला ऐसा ऑफिसर था जब ये चीज वायरल हुई और मैंने पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज अपना वायरल किया कि मैसेज को ना देखें, वो तो हम देख लेंगे, अब तिरंगे को देखो कितने तिरंगे। और पुरुष जो है, पुरुष का जो किरदार है वो उस नारे की तरफ से नहीं, तिरंगों की तरफ से देखो। ड्रोन इमेजेस मैंने वायरल की, मैंने वो नारे वायरल किए, मुझे किसी जुलूस की जस्टिफिकेशन नहीं देनी है। वो परमन था, नहीं था, नेशनलिस्ट थे, नहीं थे, या किस पास की लिटर पास सही है, गलत है, लेकिन पुंछ की बात कर रहा हूँ कि भाई पुंछ में इस तरह के नारे नहीं होते हैं। पुंछ इन चीज़ों के लिए चर्चा में नहीं रहना चाहिए, पुंछ अच्छी चीज़ों के लिए चर्चा में रहना चाहिए। पुंछ से बहुत बड़ी विरासत हम लोग, और हिंदुस्तान में बैठा हुआ किसी इंसान की कोई औकात नहीं है कि यहाँ के पुंछों के नेशनलिज्म के बारे में कोई उंगली उठाए या सवाल किसी को। कानूनी कार्रवाई ऐसी सख्त होगी, यहाँ की नस्लें याद रखेगी, ये मैं आज रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। मुझे उसके लिए आप सबका कवर चाहिए। थैंक यू सो मच। इससे ज्यादा बात नहीं मैं करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये क्लियर करने के लिए, हमने ना आपकी सपोर्ट के लिए मीटिंग बुलाई थी और ना ही हमें कोई इम्कान था कि हालात खराब हो जाएंगे। हमने इसलिए कि पुंछ इससे बड़ा है, पुंछ छोटी चीजों के लिए हमें सर झुकाने की जरूरत नहीं है, हमारा सर सबको ऊंचा रहना चाहिए। इसकी जो मीटिंग कॉल की, इसको मैं कमजोर के बड़ा मजबूत कदम पर आपने उठाया, एक पॉजिटिव स्टेप उठाया। तो मैं कहता हूँ वही बात समझता हूँ कि जिसे हक डिजर्व, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक नहीं। ये सब ये पंच के लोग बड़े सैकुलर हैं। जैसे साहब कह रहे थे कि कुर्बानी के बाद यहाँ के पाड़ी ने, यहाँ के गुजर ने, यहाँ के हिंदू ने, यहाँ के सिख ने मिलकर ये तलवार की तरह अपने बॉर्डर पर खड़े हैं। वहाँ कोई ध्यान नहीं करते कि ये पाड़ी है, ये गुजर है, वो ये देखते हैं कि पाकिस्तान का गोला आ रहा है, ये इन लोगों पर पड़ेगा। उन्होंने वो पहाड़ी देखता ना, वो गुजर देखता ना, हिंदू देखता ना, सिख देखा। एक यंग आदमी आया हमारे पास एक बेहतरीन एसपी आया है, एसएसपी आया हुआ है, और इतनी बढ़िया रेवेन्यू ऑफिसर की यहाँ पर टीम है, क्योंकि हम रोज काम करते हैं, ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है। वो भाई इनके यहाँ आने का फायदा लो, डीसी के विजन का फायदा लो, डेवलपमेंट करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की सोचो। ये कौन से इशू में हम फंस गए हैं? मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने पीस के लिए हम सबको इकट्ठा किया। अमन एक ऐसी नियामत है कि इस नियामत का उन लोगों से पूछिए कि जो इस नियामत से महरूम है, वो इलाके, वो देश, वो कंट्रीज और वो रीजन्स के जहाँ पे अमन नहीं,
वहां पर किसी भी तरीके का न सुकून है न तरक्की है और न दिली इत्मीनान है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे इलाके में अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी। ऐसा किया है वो इंटेंशनली ऐसा नहीं, पुंछ की मिट्टी ऐसी, कोई जज्बात में आ गया, गुस्से में आ गया, टाइम नहीं कुछ हुआ, मैं सब चीजें सीखी, मैं ये मेरा चैप्टर ही उधर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से पहलू देखती है, बहुत कुछ देखती है, हमें तो दीवार तक नजर आता है, आपको दीवार से पीछे भी आपकी नजर है, तो ये चीजें जो है वो वक्त के साथ, और इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं। जब आप इलाके में जाएंगे तो आपकी खिलाफत वो लोग जरूर करेंगे जिनके साथ 10 लोग आपके साथ आते थे, जो बात लोगों को ये कह कर आते थे कि अगर बिना किसी किसी की नहीं सुनता। अच्छा गुजरा है, असद साहब का भी गुजरा है, लेकिन हमारी आपके साथ फोन पे मैंने बात की थी, आपको कुछ नजर आ रहा था ऐसा, कहते हैं कमिंग इवेंट्स कल द शैडो बिफोर, जब आप और एसएसपी साहब पहुंच आए, आपका जो साया था वो पहले ही लोगों के जहन में था कि ये किस किस्म के ऑफिसर हैं और कैसा कंट्रोल करेंगे। यहां लोग चापलूसी करके ऑफिसर से फायदा उठाते हैं, मगर लोगों को ये पता है कि ये ऑफिसर इस किस्म की बात मानने वाले नहीं है। हुकूमत ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है और जिस ऑफिसर को जी शान के खिलाफ बात की, हम के बाद जो मेरी समझ आती है, शायद छोटा हूं या मेरी समझ कमजोर है, अगर इस इंसिडेंट को हम रोकना चाहते, इसके लिए कोई जरूरत नहीं थी कि डीसी साहब को मीटिंग बुलाए, एसएसपी साहब को मीटिंग बुलाए। मुझे लगता है कि जितने लोग हम लोग यहां बैठे हैं, अगर हम खुद किसी जगह इकट्ठा होंगे, क्योंकि ये एसटी का जो मामला है कोई इतना बड़ा मामला है नहीं, लोगों को उकसाया जा रहा है, किसी के एक आदमी को जाके कहा जाता है कि आपका जो एसटी का 10% मिलता है वो कम हो जाएगा, जबकि एक होम मिनिस्टर ने ओपन स्टेटमेंट दी थी कि कभी भी जो पुराना एसटी जो गुजर बकरवाल का जितना भी परसेंटेज है वो सेम रहेगी, और पहाड़ियों को अलग से उसकी परसेंटेज दी जाएगी। अभी तक तरीके से बाहर हम नहीं हुए, जो भी मांग रहा है मैं मुबारकबाद देता हूँ पुंछ एडमिनिस्ट्रेशन को। उस दिन मैं देख रहा था लाइव प्रोग्राम, मैं सिनल था, जो मैं डेथ हुई थी तो लाइव भी देखा मैंने। अगर जो हमारा आती गेट जिसको बोलते हैं वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज बंद करती गाड़ी, अगर आगे आते कोई ऐसा इंसिडेंट बड़ा हो जाता जिसमें आज हम बैठने के काबिल भी नहीं रहते। आप सबसे यही उम्मीद है, गुजारिश है कि जो सब अल्फाज आपने आज रखे हैं उस पर अमल भी करें, और आने वाले वक्त में कोई भी किस्म की कोई साजिश हो, कोई ऐसे हालात बने तो इमीडिएटली, चाहे और कोई शख्स है जो पूरे जिले में, मैं उससे धोखा नहीं रखूँगा, पर जो इस हॉल में अभी बैठे हैं आप सब, आप इसे धोखा रखूँगा कि आप खुद आगे आके पुंछ के बाकी पुंछ के चैनों की बात करें, और अपने आसपास जो भी आपके मोहल्ले में फिरके में नौजवान जवान लोग हैं उनको समझाएं और सही रास्ता दिखाएं, तभी हम ये यकीन कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप सबने शायद तो एक रेजोल्यूशन आया हुआ है, आप आए सब आए थोड़ा आगे आ जाए सामने।